अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल ख़ान। आज सबसे पहले कोरोना केसेस के हवाले से बात की जाएगी। जो केसेस में मज़ीद मुसलसल इजाफा हो रहा है, उस इजाफे की वजह क्या है? बैरून मुल्क से जो कराची पहुंचने वाली परवाज़ें हैं, अगर उनकी बात कर ली जाए, मुसाफिरों की कनेक्टिंग फ़्लाइट्स के ज़रिए जब पहुँचें यहाँ पर, तो उनमें जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, अब ये देखा जा रहा है कि उसमें रेशो बढ़ता चला जा रहा है। क्यों, वजह क्या है? मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं, हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि भारतीय वेरिएंट भी मौजूद है, जनूबी अफ्रीका का वेरिएंट भी है, बरतानवी वेरिएंट भी मौजूद है। जो वायरस की मुख्तलिफ अकसाम हैं, वो तमाम अकसाम यहाँ पर पाई जा रही हैं। और मुख्तलिफ ममालिक से आने वालों में 58 मुसाफिर ऐसे रिपोर्ट किए गए हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। अब मैं अगर सिविल एविएशन की बात करूं, तो वहाँ पर इकदाम सख्त कर दिए गए हैं, कुछ लेबोरेटरीज़ के नाम दिए गए हैं, उन लैब से आपने टेस्ट करवाने हैं, उसके बाद ही आपको फ़्लाइट में चढ़ने की इजाज़त होगी या फिर एयरपोर्ट से निकलने की इजाज़त होगी। तमाम चीज़ें, तमाम बातें हैं। फिर वैक्सीन के हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ PMA के सेक्रेटरी जनरल मौजूद हैं, डॉक्टर कैसर सज्जाद। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, पहले जानना चाहूँगा मुख्तलिफ वेरियंट्स के हवाले से, ये तश्वीशनाक सूरत हाल तो नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, तशवीशनाक बात तो बिल्कुल है, और वो इस तरह से है कि जो इंडियन वेरिएंट जो है वो आपको 4 कराची में मिल गए हैं, वो केसेस डिटेक्ट हो गए हैं। अब बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जो कि अभी डिटेक्ट नहीं हुए हैं, उनका पता नहीं चल रहा है, वो कहीं इधर उधर हैं, और वो पता नहीं कितने लोगों को लगा रहे हैं। और ये जो 4 केसेस हमें मिले हैं, इन्होंने किन किन लोगों से कांटेक्ट किया है, अभी इसकी कोशिश हो रही है कि उनके कांटेक्ट को ट्रैक किया जाए और उनका जो है वो PCR कराकर मालूम किया जाए कि उनके अंदर ये वायरस है तो नहीं। आप जैसे कह रहे थे कि ये हमारे यहाँ UK वेरिएंट और ब्राज़ीलियन वेरिएंट और साउथ अफ्रीकन, मुझे लगता है कि ये तमाम वेरियंट आ चुके हैं, और ख़ासकर सिंध के शहर कराची में, क्योंकि हर जगह से लोग यहाँ आते हैं मुख्तलिफ मामलात के सिलसिले में, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर केसेस हैं, और इसीलिए हमें खौफ है, डर है कि ये अभी केसेस देखें। हालांकि लॉकडाउन हुआ है, लेकिन वो लॉकडाउन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं कि उन पर अमल दरामद मुकम्मल तौर से नहीं हो पा रहा है, और लोग जो है वो डाइनिंग भी कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर खुदा न खास्ता इनमें इजाफा हुआ, तो इसको कंट्रोल करना यहाँ पे बड़ा मुश्किल होगा। और साहब, आप क्या समझते हैं, सिविल एविएशन की अगर बात की जाए तो सख्त से सख्त इकदाम किए जा रहे हैं, क्या वो मौसर साबित हो रहे हैं, मुफीद साबित हो रहे हैं, या और मजीद इकदाम करने की ज़रूरत है? पहले तो ये बात है कि आपका जो जुमला है ना, सख्त से सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ सख्त से सख्त इकदाम किए जा रहे हैं, और लोग बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। लोगों को अपनी तमाम वो जो चीज़ें एक्टिविटी हैं, घूमना फिरना, बाहर खाना खाना, वो सब उनको ज़रूरी लगता है, और वो ये समझते हैं कि इसके बगैर हमारी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं है। और फिर यही वजह है कि आप देखिए कि ये चीज़ें, ख़तरा बहुत है कि एक दूसरे में मुंतकिल होने का बड़ा एक इश्यू है, और ये जो वेरिएंट की बात हो रही है उसमें खासियत ही यही है कि ये एक से दूसरे में बहुत तेज़ी से लग जाता है। और अभी जो हमें रिपोर्ट मिल रही है कि घर के अंदर एक आदमी इंतकाल कर गया, उसका फलाब जो था रिश्तेदार वो भी इंतकाल कर गया, तो ये बड़ी तकलीफ की बात हो रही है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 4-5 दिन के अंदर जो है वो अमवात हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि जो तदाबीर करनी चाहिए वो सख्ती इसकी ज़रूरी है, और मुकम्मल जब तक अगर जो लॉकडाउन अभी सिंध गवर्नमेंट जो कर रही है वो सही है, लेकिन उसमें अगर केसेस कम होते हैं या बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, फिर तो ठीक है, जितना है आहिस्ता आहिस्ता खोला जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये यकीनन और सख्त फैसले करने पड़ेंगे, और उससे अमल दरामद सबसे ज़्यादा ज़रूरी, तो उससे अमल दरामद कराना भी ज़रूरी होगा।
अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीन के हवाले से भी थोड़ा डिस्कशन करना चाहूँगा। वैक्सीन अब ज़्यादातर मैं बात करूँ तो कम से कम उम्र के बच्चों के लिए भी खोल दी गई है, जवानों के लिए भी खोल दी गई है, ओल्ड सिटीजन्स को पहले ही ये मरहला देखा गया था। अभी कितना फ़ीसद हम वैक्सीनेट हो चुके हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में अब तक जो है, जो NCOC की रिपोर्ट है वो 70 लाख के करीब है, जो कि बहुत कम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज हमें पता लगा है कि पंजाब में आज के दिन 24 घंटे में 1,80,000 लोगों को वैक्सीनेट किया पंजाब में, जो कि ये बहुत अच्छा साइन है। और जितनी जल्दी लोग वैक्सीनेट होंगे उतनी जल्दी हमारा रूटीन का वर्क शुरू होगा। मैं फिर कह रहा हूँ आपके तवस्सुत से, वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि अपनी दुकानें खोलें, वो तमाम लोग जो चाहते हैं अपनी शादी हॉल को दोबारा आबाद करें, वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि अपने रोज़मर्रा के काम वैसे ही सब बाजार जाएं और आएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फौरी तौर पे तमाम घर के अफराद को वैक्सीनेट करा दिया जाए। जितने जल्दी लोग वैक्सीनेट होंगे उतनी जल्दी हर चीज़ खुलने का इम्कान हो जाएगा। अदरवाइज आप इसी सिलसिले में पड़े रहेंगे, इसी चक्कर में पड़े रहेंगे कि जो तीसरी वेव जो हमारी चल रही है इसमें थोड़े से नंबर कम हो जाएंगे, फिर बढ़ जाएगा, फिर हम उसको चौथी वेव कह देंगे कि चौथी लहर आ गई है हमारी। फिर तो ये सिलसिला जारी रहेगा। और अल्लाह ना करे कि जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारी पोलियो जैसी हालत ना हो जाए, कि दुनिया से कोरोना ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान में कोरोना मौजूद हो और आप दुनिया में कहीं नहीं जा सके। और जैसे कि अभी सऊदी अरब ने ही मना कर दिया कि आप उमरा और हज भी नहीं कर सकेंगे जब आप प्रॉपर वैक्सीन नहीं लगाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है। अच्छा, मुख्तलिफ वेरियंट की हमने बात की, इंडियन वेरियंट की अगर बात की जाए तो ये जो हमारे पास वैक्सीन मौजूद हैं ये इस वेरियंट पर मुफीद साबित हो रही हैं? अब तक तो हो रही हैं। अच्छा, मैं समझता हूँ कि अभी जो ये वैक्सीन अभी जितनी भी दरियाफ्त हुई है वो बड़ा अच्छा सिस्टम ये है कि वो COVID-19 की वैक्सीन है। COVID-19 की वेरिएंट है तो है वो COVID-19 का, तो इफेक्टिव तो इन सब के लिए है और दुनिया में है। और देखें, जिन ममालिक ने अपने लोगों को वैक्सीनेट कर लिया, जैसे कि इसराइल ने 96% अपने लोगों को वैक्सीनेट कर लिया है, उन्होंने मास्क लगाने को मना करते हैं कि आप बाजार जाएँ घूमें फिरें मास्क ना लगाएं। इसी तरह से अमेरिका ने खोल दिया है वैक्सीन, धड़ाधड़ वो लगा रहे हैं, मेजोरिटी लोगों के वैक्सीन लग गए हैं और वो खोल रहे हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जितनी जल्दी लोग वैक्सीन लगाएंगे इसकी तादाद में इजाफा होगा, उतनी ही जल्दी आप जो है अपने रोज़मर्रा के काम और कारोबार और तालीम और तमाम चीज़ें जो है बहुत जल्दी रूटीन में आ जाएंगे हम लोग। अच्छा डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया की अगर बात की जाए, मुख्तलिफ जगहों पर कुछ खबरें सामने आ रही हैं इस तरह कि वैक्सीन लगाने के नुकसानात हैं, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, या फिर मकनतीस की बात भी हमने देखी कि वो मैग्नेट चिपकना शुरू हो गया है, या फिर मैं उस हवाले से बात करूँ, एक खबर ये भी आई कि 2 साल के अंदर मौत हो जाएगी। इस पर भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा रोशनी डालें, क्लियर करें इस चीज़ को आज। बात मुझे सिर्फ हंसी आ रही है, साइंस का ज़माना है और हम अभी भी वही पुराने वाले टेलीविज़न जो ब्लैक एंड वाइट था ना, हम उसी में घुसे हुए हैं अभी तक और हम उससे बाहर नहीं निकले हैं। ये सारा रबिश है, ये सब एक अफवाह है, प्रोपेगेंडा है और कोई मकनातीस नहीं चिपकता, कोई वहाँ पे बल्ब नहीं जल सकता, ये सब एक फनकारी है। आपको पता है कि हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे फनकार मौजूद हैं, कलाकार मौजूद हैं, टेक्नीशियन मौजूद हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। नंबर एक। नंबर दो बात ये कि दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में ऐसे बड़े बड़े लोग इस तरह के मौजूद हैं जो कि एंटी वैक्सीन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने, बहसत मुसलमान की मैं बात कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला ने हमें अशरफी मखलूकात बनाया है, हमें समझ बूझ दी है, जिस समझ बूझ से हम समझते हैं कि ये जो वबा है ये हकीकत है और ये बिल्कुल हकीकत है, जो कोई कंस्पिरेसी नहीं है। कोरोना वायरस में अब तक
206 डॉक्टर इंतकाल कर चुके हैं, 31 जो है वो पैरामेडिक्स इंतकाल कर गए हैं। तो ये हकीकत है, लोग बहुत सारे लोगों ने अपने प्यारे दुलारों को खो दिया है, और जिन्होंने पहली वेव में नहीं खोया उन्होंने दूसरी वेव में खो दिया है, जिन्होंने दूसरी वेव में नहीं खोया उन्होंने तीसरी वेव में खो दिया है। तो अल्लाह ना करे ये सिलसिला चले तो बहुत ख़राब होगा। तो इसमें यही सिर्फ एक बात है कि ये जितनी भी बातें हो रही हैं, जितनी भी प्रोपेगेंडा है कि जी आप वैक्सीन लगाओगे तो उसका बहुत बुरा साइड इफेक्ट होता है, और 2 साल के अंदर अंदर जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया है तो वो तो मर जाएंगे, तो ये सब बातें। और बल्कि जिसने ये जुमला जिसके व्हाट्सएप पे ये सब सोशल मीडिया पे चल रहा है उस आदमी ने खुद ही कहा है, कह दिया है कि ये सब गलत है, मैंने नहीं कहा। अच्छा, पाकिस्तानी वैक्सीन के हवाले से भी थोड़ा सा इस पर कॉमेंट करें, वो किन मराहल में है, कहाँ तक पहुँची, बना ली गई है, कब तक लगना शुरू हो जाएगी? अच्छा देखिए, ये मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तानी कोई वैक्सीन नहीं है, ये पाक वैक के नाम से जो वो गलत किया गया था वो चेंज हो गया है। पाक वैक, देखिए पाकिस्तान वैक्सीन बनाना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है, बहुत रिसर्च की जरूरत होती है। पाकिस्तान में कोई वैक्सीन नहीं बन रही है। पाकिस्तान में बहुत अच्छी बात ये है, खुशखबरी मैं समझता हूँ जो है कि चाइना ने एक रॉ मटेरियल दिया है हमें जिसका नाम जो है कैन साइनो है, और वो कैन साइनो का जो रॉ मटेरियल है पाकिस्तान में इतना अच्छा काम हुआ है कि उसकी फिलिंग और उसकी पैकेजिंग यहाँ पे हो रही है। तो चाइना हमें सिर्फ रॉ मटेरियल दे देता है, हमारे यहाँ फिलिंग और ये अब ये चीज़ें जो है ना, ये फिलिंग और पैकेजिंग जो है वो सिंध गवर्नमेंट भी करने जा रही है, इनको भी वो मिल जाएगा, तो क्या नाम है रॉ मटेरियल, तो ये हो जाएगा। इस तरह मैं समझता हूँ और चीज़ें भी करेंगे, तो फिर वैक्सीन का तो मसला ही नहीं होगा। और ये कैन साइनो जो है वो सिंगल डोज है, अब एक सिंगल डोज लगाएं और आगे चल के ये सारी वैक्सीन बहुत रिकॉग्नाइज होंगे WHO से, और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया में के पास ऐसा नहीं है कि आपके पास रॉ मटेरियल आ जाए और आप तो उसकी फिलिंग और पैकेजिंग करके बहुत सारे वैक्सीन अपने पास रख सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, कितना अरसा भी दरकार है हमें तमाम लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए, 22 करोड़ की आवाम है हमारी, कितना टाइम लग सकता है? देखिए 22 करोड़ लोगों को तो वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ कि 15 से 16-17 करोड़ आवाम को, अगर 15 करोड़ आवाम को भी वैक्सीन लग गई ना तो बहुत बड़ी बात होगी, और उसके लिए ज़रूरी ये है कि 4 से 5 लाख डेली वैक्सीन लगना चाहिए, 4 से 5 लाख डेली वैक्सीन लगे तो ये अमल बहुत जल्दी हम हासिल कर लेंगे, ये हदफ हम बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे। अभी रफ्तार सुस्त है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अब तक 70 लाख अफराद को वैक्सीनेट किया गया है ऑल ओवर पाकिस्तान, लेकिन अच्छी बात यही है कि जैसे मैंने कहा कि आज जो है वो पंजाब में 1,80,000 वैक्सीन जो है लगाई गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है, और यही स्टेज मेरा ख्याल है सुबह में भी होना चाहिए, सिंध में भी होना चाहिए, बलूचिस्तान में भी होना चाहिए, और KP के लिए भी होना चाहिए। तो फिर ये हम इस साल के एंड तक हम ये हदफ जो है 15-16 करोड़ आवाम को वैक्सीनेट कर सकेंगे, ठीक, और जितनी जल्दी हम वैक्सीनेट करेंगे उतनी जल्दी हमारे मामला हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, और इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, तमाम इदारों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, तमाम वो जो हमारे मालकान हैं, बिजनेसमैन हैं, हमारे वो एजुकेशन के लोग हैं, हमारे शादी हॉल के लोग हैं और दूसरे लोग हैं, उनको मेरा ख्याल है कि उनको ये समझना पड़ेगा और अपने आप को भी वैक्सीनेट कराना पड़ेगा और अपने वर्कर्स को भी वैक्सीनेट कराना पड़ेगा, अगर अगर ये सारे मामला नॉर्मल करना है तो मैं उम्मीद करूँगा कि यकीनन गवर्नमेंट जो है सबके साथ मिलकर और बहुत तेज़ी से सेंटर खोल रही है जगह जगह पे, और जहाँ जहाँ सेंटर खोल रही है वहाँ पर आसानी लोगों को दी जा रही है कि वो वहीं अपने इलाके में ही वैक्सीनेट हो जाए, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि देखें जो लोग ये परेशान होते हैं कि वैक्सीन जिन्होंने लगाया है वो 2 साल में
मर जाएंगे। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा, वैसे भी सही जवाब देता हूँ कि भाई अमेरिका की कंपनी को तो हम इस बात को यकीन रखते हैं कि उस दिन बहुत आदमी है, पर अगर आदमी है तो फिर आपको परेशानी क्यों है? हमारा ईमान तो बड़ा कमजोर है, इसका मतलब है कि एक दिन की बात है। दोस्तों मैंने पहले बताया कि ये सदाकत हुए, तो मैं समझता हूँ कि उम्मीद ये करता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की मेजोरिटी जो आबादी है वो बहुत जल्द वैक्सीनेट हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सजाद हमारे साथ मौजूद थे और वैक्सीनेशन के हवाले से बात की जा रही है। वैक्सीन के हवाले से जो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं, मन घड़त कहानियां हैं, इनमें ऐसी कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन आपने खुद को वैक्सीनेट करवाना है, इसी में आपका फ़ायदा है। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज हैं उनकी तरफ भी आगे बढ़ेंगे।